आज हम बात करेंगे COVID-19 और उसके पाकिस्तानी मईशत पर असरात। सबसे पहले तो हमारे जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, मोस्ट प्रेशियस एरिया है, एक्सपोर्ट्स लोकल और इंटरनेशनल शटडाउन की वजह से उस पर बड़े सीरियस इम्पैक्ट हुए हैं। और मार्च से ऑनवर्ड बहुत सारे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपोर्ट के कैंसिल हो गए हैं या होल्ड पे चले गए हैं या डिले कर दिए गए हैं। और इसमें मैन्युफैक्चर्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड वर्क इन प्रोसेस में जो सामान पड़ा था उसकी शिपमेंट भी डिले हो गई है या कैंसिल हो गई है। तो ये सारा कुछ मिला के लग रहा है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। जो पिछले साल कुछ इम्प्रूवमेंट हुई एक्सपोर्ट्स में और इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि और बेहतरी आएगी, लग ये रहा है कि COVID-19 की वजह से वो शायद अब जारी रखना एक्सपोर्ट के टारगेट को मुमकिन नहीं रहा है। एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा ये अगले दिनों में अनफोल्ड होगा। हमारा दूसरा बड़ा सोर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का वो पाकिस्तानी वर्कर्स एग्जीक्यूटिव्स जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं और रिमिटेंसेस हमें भेजते हैं। पिछले साल उन्होंने $21 बिलियन से ज़्यादा भेजे थे। लग ही रहा है कि उनकी जॉब्स में मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं। ऑल्दो सऊदीया ने कुछ यकीन दिलाया है कि वो 3 महीने तक डेफर करेंगे कुछ भी फाइनल डिसीजंस को, लेकिन बाकी जगहों से वर्कर्स की और एम्प्लॉइज़ की वहाँ से फारिग होने की इत्तलात आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं या उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई जॉब हो तो बताएं, क्योंकि यहाँ से हमें फारिग कर दिया गया है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज की रिमिटेंसेज डेफिनेटली पिछले साल से कम रहेंगी। तो एक्सपोर्ट्स में रिडक्शन एक्सपेक्टेड है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रिमिटेंसेज में रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए वर्ल्ड बैंक IMF ने भी अभी पाकिस्तान को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड की है $1.4 बिलियन की, और शायद ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी इस सिलसिले में कुछ प्रोसेस कर रहे हैं इमदादी प्लान को। लेकिन ये सारे कुछ के बावजूद लग ये रहा है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर बन जाएगा और रुपी में फर्दर डिवेल्यूएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले चंद महीने में, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं इन दिनों में वो कई तरह की इम्पोर्ट्स नहीं हो रही, लेकिन हेल्थ केयर से रिलेटेड इम्पोर्ट्स इन दिनों में पिक कर गई हैं और वो इम्पोर्ट बिल को हम रोक नहीं पाएंगे। तो लग ये रहा है कि रुपए के ऊपर ये प्रेशर आएगा। इंडस्ट्री के शटडाउन होने से और बाहर से वर्कर्स की वापसी, दोनों सूरतों में अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी जनरेट होने का ख़तरा पैदा हो गया है। ख़ास तौर पे सर्विसेज सेक्टर पे बहुत प्रेशर रहेगा और कई तरह के कारखाने हैं वो अव्वल तो ऑपरेट ही नहीं कर रहे या अंडर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर फौरी तौर पे लोगों को नहीं भी निकालेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लंबे अरसे के लिए लॉस मेकिंग एंटिटी को सस्टेन करना। तो लग ये रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ जाएगी और ये पॉवर्टी को जनरेट करेगी, और पॉवर्टी जो पहले ही हमारे मुल्क में काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लोग या तो अनएम्प्लॉयड होंगे या अंडर एम्प्लॉयड होंगे, दोनों सूरतों में ही पॉवर्टी में इजाफा होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सोर्सेज ऑफ अर्निंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और लोग अपने पैसे बचा के रखना चाहेंगे, तो यकीनन ये डिमांड को काम करेगा लो परचेजिंग पावर से भी और लो स्पेंडिंग हैबिट्स दोनों को मिला के। तो कंज्यूमरिज्म में कमी आएगी, ख़ास तौर पे ड्यूरेबल गुड्स में सिग्निफिकेंट कमी आएगी, भले वो गाड़ियाँ हों, वो फ्रिज फ्रीज़र हो, फर्नीचर हो और इस तरह की नई कंस्ट्रक्शन घरों की, उनके ऊपर लग ये रहा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिडक्शन होगी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर एज वेल एज स्पेंडिंग हैबिट। हमारे सर्विस सेक्टर को इस वक्त क्लोजर्स का सामना है। होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, उनकी या अव्वल तो वो बंद ही हैं या बहुत लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, कोई टेक अवे का काम कर रहे हैं, चूँकि एम्प्लॉयज़ को नहीं बुला सकते, वर्कर्स अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उनकी काफ़ी लिमिटेड सेल्स हो रही हैं। बहुत सारे दूसरे सर्विस सेक्टर्स जो नहीं फंक्शन कर पा रहे, वहाँ से भी लग ये रहा है कि उनके या तो ऑपरेशन सब्सटेंशली कर्टेल हो जाएंगे या फिर बंद ही हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में जो सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे थे उनकी अर्निंग्स के ऊपर, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, उनकी पोटेंशियल के ऊपर लिमिटेड टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए अगले कुछ अरसे के लिए लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। हमारे SME सेक्टर को जो डिफरेंट वेंडर इंडस्ट्री थी, जो कंपोनेंट्स बनाते थे या जो छोटे मोटे काम करते थे, उनके लिए
ऑपरेट करना पहले भी चैलेंजिंग था, ख़ास तौर पे 2017 के बाद से जो हमारे यहाँ जनरली फाइनेंशियल फिस्कल सूरत हाल रही है और बिजनेस की ऑपरेशंस लेवल रहे हैं, तो लोग या तो लॉस पे काम चला रहे थे या बहुत ही मिनिस्क्यूल प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर थे। तो जितने भी लोग मार्जिन के ऊपर थे वो बहुत अच्छी अर्निंग्स नहीं बना रहे थे, उनके लिए अब बिजनेस सस्टेन करना SME सेक्टर में काफ़ी मुश्किल होगा। तो लग ये रहा है कि SME सेक्टर से जॉब रिट्रेंचमेंट्स और जॉब लॉस काफ़ी बड़ा आएगा, और जिसमें ना सिर्फ वर्कर्स की जॉब लॉस होगी, इवन उनके जो ओनर्स हैं और जो भी मैनेज करने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो बजटरी डेफिसिट होगा, अनप्रेसिडेंटेड लेवल का होगा, टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स स्टेज के ऊपर टैक्सेस भी कम कलेक्ट होंगे क्योंकि सारी तरह की इम्पोर्ट्स या तो रुकी हुई हैं और जो आ भी रही हैं उनकी कंजम्पशन भी सब्सटेंशली रिड्यूस हो गई है। पेट्रोलियम सेक्टर से कुछ बेनिफिट की उम्मीद है, लेकिन चूंकि पेट्रोलियम सेक्टर की कंजम्पशन ही सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर गई हैं बहुत सारे केसेस में, तो शायद ओवरऑल बेनिफिट उतना नहीं गवर्नमेंट को होगा जितना के लोग उम्मीद कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ बेनिफिट को पास ऑन भी करना पड़ेगा। मीडिया ऑलरेडी माहौल बना रहा है और लोगों की डिमांड भी है, ऑल दो गरीब बंदे को ना तो इन दिनों सफर करना है, ना ही गाड़ी चलानी है, ना ही कोई और काम वो कर पा रहा है, तो उसको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक फैशन है कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखा जाए, तो वो सारे प्रेशर सेगमेंट्स हैं वो इन दिनों गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बेनिफिट हुआ है वो सारा पास ऑन कर दें या सब्सटेंशियली सारा बेनिफिट पास ऑन कर दें। तो अगर ये सारा कुछ होता है और विद अनप्रेसिडेंटेड पैकेजेस जो दिए जा रहे हैं गरीब लोगों की इमदाद के लिए, और एहसास स्कीम है और दूसरी हॉस्पिटल्स की और सर्विसेज सेक्टर में जो और सरकार को पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं, तो लग ये रहा है कि बहुत बड़ा बजट डेफिसिट क्रिएट होगा और जो बजट के टारगेट्स रखे गए थे वो तो मीट नहीं होंगे, अलबत्ता एक्सपेंडिचर के टारगेट्स हो सकता है कि एक्सीड कर जाएं। तो इस पे IMF ने ऑलरेडी को लीनियंट व्यू ले लिया है इस सूरत हाल को देखते हुए, और कुछ डिसबर्समेंट उन्होंने $1.4 billion की कर दी है, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के पास चूँकि अर्निंग्स नहीं होंगी और सेविंग्स नहीं होंगी, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सबसे पहले ज़िबा होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जिधर जिधर काट सकेंगे तो जो फ्यूचर के लिए करने वाले काम हैं वो मोर और लेस सारे कट जाएंगे, और सिर्फ सेव द डे पे फोकस है, और फोकस अगले दिनों में रहेगा।